मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें वैक्सीन से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को परेशानी आ रही थी, जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिन लोगों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, उन लोगों के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी जो है गवर्नमेंट ने कर दी है। वो कैसे? जब हम कोविन एप्लीकेशन से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आरोग्य सेतु ऐप से कर रहे थे, उमंग एप्लीकेशन से कर रहे थे, इन सभी पर स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे। और जो 100 स्लॉट जो हमारे आसपास के सरकारी केंद्रों में बुक होते थे, वहाँ पर जो लोग आखिरी के टाइम तक नहीं पहुँच पाते थे और जितने भी वैक्सीन जो है खाली या ख़राब जाते थे, उतने स्लॉट को अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरा जाएगा और वहीं पर जाकर भी जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और वैक्सीन लगवा पाएंगे। इसके पीछे जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का, वो उद्देश्य है कि वैक्सीन की डोज जो है अभी तक जो खाली ख़राब जा रही थी वो ख़राब नहीं जाएंगी और वैक्सीनेशन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उन लोगों को फ़ायदा होगा ज़्यादातर जो जिनके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, जो गाँव कस्बों से आते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोगों को जितने भी सरकारी केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद जो है आप वहाँ पर ईजीली जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जो कि वहीं पर जितने भी कंप्यूटर्स पर जो लोग रहते हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे, जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी, वो लोग ही आकर पहले लगवाएंगे। इसके बाद जो नहीं आ पाएगा, जितनी वैक्सीन की डोज वहाँ बचेंगे वो वैक्सीन के डोज जो है आखिरी में वहाँ पर लगा दिए जाएंगे और ऐसा ही क्रम अब चलेगा। और एक बात और दोस्तों, केंद्र सरकार ने ये सारी चीज़ें जो है अभी राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी हैं। राज्य सरकार किस तरीके से डिसीजन लेंगे, किस तरीके से जो है यहाँ पर काम करेंगे, क्या रूल्स बनेंगे, क्या रेगुलेशंस निकल कर आएंगे, उसके तहत आप लोगों के जो पर्टिकुलर राज्य हैं, जो सरकारी केंद्र हैं, जी हाँ दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ सरकारी केंद्रों पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो प्राइवेट केंद्र हैं जहाँ प्राइवेटली वैक्सीन लगाई जा रही हैं वहाँ पर ये सुविधा नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन होगा सरकारी केंद्र पर भी, लेकिन अगर कोई वैक्सीन के डोज आखिरी में बचेंगे तो वो वहीं पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो लोगों को दिक्कत आ रही थी ये स्लॉट बुक करने में। आप देख सकते हैं अभी ये जो 180 सेकंड मिलते हैं, अब OTP आने में भी समस्या हो रही है। 1-2 मिनट तक OTP का वेट करना पड़ता है, इसके बाद ये OTP आता है और ये सारी प्रोसेस में जो है दोस्तों स्लॉट बुक हो जाते थे और स्लॉट जो है किसी को मिल नहीं पाते थे। लेकिन काफ़ी लोगों के सामने और काफ़ी केंद्रों पर ये केसेस आ रहे थे कि लोग जो है पूरी मात्रा में 100% नहीं पहुंच रहे हैं और जिनका वैक्सीन छूट जाता था वो डोज रोज़ ख़राब जा रहे थे। तो इन सब से बचने के लिए जो है गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फैसला है। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें भी पता चले। आप लोग पहले प्रयास करें कि ऑनलाइन ये सब बुक हो जाए, और नहीं हो तो आप अपने जो है आसपास के सरकारी केंद्रों पर जो भी राज्य सरकारें नए नियम बनाएगी उसके तहत जाकर अपने आप को वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।